बिहार में बीजेपी ने अपनी चुनावी रफ्तार तेज कर दी है। इसी कड़ी में अमित शाह के लगातार हो रहे बिहार दौरे को देखा जा रहा है। पहले सीमांचल, फिर पश्चिम चंपारण और पटना, इसके बाद अब नवादा में उन्होंने अपने तल्ख अंदाज में महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। हमने इसके पहले नवादा में अमित शाह समेत बीजेपी के पांच बड़े नेताओं को सुनाया। अमित शाह के सामने बरसने वाले उन पांच बीजेपी नेताओं को सुनाते हैं जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन उनमें धार अब भी वही है। सबसे पहले पांचवें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को सुनाते हैं। ये मोतिहारी से लगातार जीत रहे हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कहा कि पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम जाति के लोग इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराने के कारण लोग इन्हें देवता तक मानने लगे हैं और अब देश के लोग इन्हें मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आइए यहाँ पर हम आपको राधा मोहन सिंह के उस अंश को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार का गुणगान किया है। और सबको ये पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सब जानते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा MLA, MP और सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार है। हमारी जो सरकार है, देश के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए हमारी मोदी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। भाइयों और बहनों, इसीलिए देश का जो ये तबका है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियां, नरेंद्र भाई मोदी को अपना मसीहा के रूप में मानती है। इसलिए मेरी विनती होगी कि इस देश के गरीब को मजबूत बनाना है, गांव को मजबूत बनाना है, तो नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने का संकल्प लेना होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर बीजेपी विधायक साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव को सुनाते हैं। बता दें कि नंद किशोर यादव पटना साहिब से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं और साथ ही नवादा में सभा को संबोधित करते हुए नंद किशोर यादव ने विरोधियों पर अपने अंदाज में तंज कसा और उन्होंने कहा कि बिहार में अमित शाह का जब जब दौरा होता है तब तब विरोधियों के पेट में दर्द होता है और साथ ही नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इससे RJD, JDU समेत अन्य विरोधी पार्टियों की बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी इसी तरह काम करते रह गए तो फिर विरोधी को कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। नंद किशोर यादव ने महागठबंधन सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आइए अब आपको नंद किशोर यादव को सुनाते हैं कि वो किस तरह RJD और साथ ही साथ JDU पर तंज कस रहे हैं। मैं तो जब जब आप समर्थन देते हैं और विशेष करके जब से मोदी जी के साथ अपने को जोड़ने का आपने काम किया है, तब से विरोधी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। चूं-चूं बोलता रहता है, काहे बोलता है? उनको लगता है अगर मोदी जी इसी प्रकार गरीबों के लिए काम करते रह गए, मोदी जी अगर इसी प्रकार से किसानों के लिए काम करते रह गए, मोदी जी अगर इसी प्रकार से नौजवानों के लिए काम करते रह गए, मोदी जी इसी प्रकार से समस्त गरीबों के लिए काम करते रह गए, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा RJD को और JDU को। ये बेचैनी उन लोगों के मन में घर करती जा रही है। क्या चाहते हैं आप? मोदी जी का सर झुक जाए? चाहते हैं क्या? इन लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, वो दर्द बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? विरोधियों के पेट के दर्द को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मोदी जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? फिर से एक बार मोदी जी का झंडा बुलंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपना समर्थन देने का काम करिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर एक और पूर्व अध्यक्ष को सुनाते हैं। ये पूर्व अध्यक्ष है मंगल पांडे। मंगल पांडे भी बड़े कद वाले नेता है और इनका कार्यकाल भी काफी बढ़िया रहा। हालांकि ये लगातार विधान पार्षद बने रहे और नवादा की सभा में लोगों को संबोधित करते हुए मंगल पांडे ने अपने संक्षिप्त भाषण में बीजेपी के संकल्प को दोहराया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यों की लंबी सूची है।
देश के साथ बिहार भी उनके नेतृत्व में काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और साथ ही बिहार में भी बीजेपी की अपनी सरकार जल्द बनेगी। अब आपको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे को सुनाते हैं। मित्रों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया और 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव के गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान सबके लिए जो काम हुए उसकी पूरी एक लंबी फेहरिस्त है जिसके बारे में भी मन से बताया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज नवादा के भाइयों बहनों से, गाँव में रहने वाले नौजवानों से और सभी साथियों से कि इस देश को मजबूत बनाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में मजबूती के साथ हमको भारतीय जनता पार्टी को गांव गलियों तक पहुंचा के 2024 में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार से 400 के 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार को विजयी बनाकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए दिल्ली भेजना होगा और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बने इसके लिए विधानसभा में भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन मिले, ये संकल्प और आग्रह कराने के लिए आज हम सब लोग आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर सुनाते हैं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल बेतिया से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पहले इस पद पर संजय जायसवाल ही थे। संजय जायसवाल ने नवादा के कार्यक्रम में खूब गर्जे, साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी पहली बार पीएम बने तब पूरे देश में हर घर शौचालय बनवाने का काम किया, जबकि दूसरी बार 2019 में गरीबों को अनाज फ्री देने का भी काम किया जो कि आज भी जारी है, और अब तीसरी बार युवाओं के लिए रोजगार से लेकर उद्योग पर काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को आदतन धोखेबाज भी बताया है। सुनिए नवादा की सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल नीतीश कुमार को लेकर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं नवादा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो नवादा की जनता ने एनडीए के लोकसभा में एक सांसद भेजने का काम किया है और आप ही के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी की जब पूरे बहुमत की सरकार बनी 2014 में तो हर गरीब के घर में बिजली आई, हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर आया, हर गरीब के घर में शौचालय आया, हर गरीब के बच्चे को सारी सुविधाएं मिली जो किसी अमीर के बच्चे को मिलती थी, और 2019 में जब उनकी सरकार आई तब उन्होंने 3 साल से मुफ्त राशन देने का गरीबों को काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लक्ष्य रखा कि अब घर का जरूरत पूरा हो गया, अब हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान में एक नए तरीके से उद्योग धंधा लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बिहार में उसकी चर्चा नहीं होती थी। मैं शाहनवाज जी उपस्थित हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि इतिहास में पहली बार हमने जनता दल यूनाइटेड से उद्योग विभाग छीना और हम लगातार उद्योग का काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को यह खराब लग रहा था, उसको आज भी याद है। 2020 के चुनाव में आप सभी के आशीर्वाद से हम 74 सीट जीते थे और 43 सीट नीतीश कुमार जीता था, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरा पर कोई वोट देने वाला नहीं था, वह तो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद था कि 43 सीट जीता उसको मिला था। और हम लोगों ने जब कहा कि भाई भाजपा का सोचना चाहिए तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा दिल था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जब हमने नीतीश कुमार को बोल दिया है तो इसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज आदमी है और उसने भाजपा को भी धोखा देने का काम किया, अगला चुनाव में उसको सबक सिखाना है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की ही बातें हैं। ये बिहार बीजेपी की काफी पॉपुलर फेस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य हैं और साथ ही बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी वर्षों तक संभाल चुके हैं। सुशील मोदी ने भी काफी तर्क अंदाज में नीतीश कुमार को सुनाया और खूब सुनाया। उन्होंने सासाराम और साथ ही साथ नालंदा में फैली हिंसा को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और एक खास संप्रदाय के लोगों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि नीतीश कुमार से यदि अब बिहार नहीं संभलता है तो साफ साफ कह दे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम से लेकर भी सरकार को धो दिया। अब यहाँ सुनिए कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुशील मोदी किस कदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या राम भक्तों को जुलूस निकालना
इस देश के अंदर अपराध है? क्या जय श्री राम का नारा लगाकर जुलूस निकाला नहीं जा सकता है? क्या जुलूस निकलेगा उस पर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा पथराव होगा? नीतीश जी, अगर आपसे बिहार नहीं संभलता है तो बोल दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम नहीं संभाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन आप जिस तरह से बिहार को हिंसा की आग में झोंक दिया है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, डॉक्टर सुनील यहाँ मौजूद हैं। और मित्रों, सासाराम के अंदर एक पहाड़ी है, चंदन पहाड़ी, जहाँ सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले जिनका शिलालेख था, 2015 में उस शिलालेख पर को मजार बना दिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्राट चौधरी जी को और नरेंद्र मोदी जी को, पिछले दिनों उस मजार पर से कब्जा हटाकर सम्राट अशोक के शिलालेख को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया गया। और यही गुस्सा था, इसी बात का गुस्सा था कि मजार पर से शिलालेख पर से जो कब्जा था क्यों हटा दिया गया, और सासाराम और नालंदा बम के धमाके से गूंज रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज की सभा के माध्यम से इस राज्य के हिंदू मुसलमान दोनों से आग्रह करूंगा कि शांति बनाए रखिए, कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, लेकिन नीतीश जी, दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।